हाय फ्रेंड्स, टेक एम एस में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेरा यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत आपको सुनकर बहुत ही खुशी हो रही होगी, बट ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो माय फर्स्ट पेमेंट के साथ। दोस्तों आपको सुनने में तो शुरू में खुशी ज़रूर हुई कि माय फर्स्ट पेमेंट, यानी कि आपको लगा होगा कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरा वीडियो बताने वाला हूँ एक्चुअली में हुआ क्या है। तो चलिए आप पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक्चुअली में हुआ ये है कि मेरा जो फर्स्ट पेमेंट है वो कब से आ जाता है, लेकिन मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आए, इसीलिए अभी तक नहीं आया है। जिस दिन मैंने चाहा कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आए तो उस दिन आ जाएगा, और क्यों नहीं आया है वो भी मैं रीज़न आपको बताऊँगा। बट जो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कन्फर्म कर देता हूँ कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आया या नहीं आया है। दोस्तों मेरा फर्स्ट पेमेंट नहीं आया है, और यहाँ तक कि जो मैंने आपको बोला है कि मेरा फर्स्ट पेमेंट, तो मेरा फर्स्ट पेमेंट आया क्यों नहीं, इसका सबसे बड़ा यही रीज़न है क्योंकि मैंने मोनेटाइजेशन अनेबल नहीं किया है किसी भी वीडियो के ऊपर। क्योंकि अभी तक मेरे वीडियो पे इतना व्यू नहीं थे जितना मैं चाहता था, बट अब धीरे धीरे व्यू आने लग गए हैं। तो मैं इस पर एड अनेबल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एड अनेबल करूँगा तो मेरे व्यूअर्स को लगेगा कि मैं पैसा कमाना चाह रहा हूँ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। फिर लोगों का वीडियो के कंटेंट से ध्यान हट जाएगा, कंटेंट से अगर ध्यान हटेगा तो मुझे व्यू नहीं आएंगे, और व्यू नहीं आएंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि मेरे अच्छे व्यू आ जाए, बस इतना ही काफ़ी हूँ। मैं इसी से खुश हूँ कि मेरे वीडियो पर अच्छे व्यू आ जाए, कि मेरा कंटेंट लोगों को पसंद आ जाए, वीडियो पसंद आए लोगों को, बाकी पैसा नहीं चाहिए। तो आप भी अगर मेरे वीडियो को सिर्फ इसलिए देखते हो कि मेरे वीडियो पे एड नहीं आते और आपको अच्छा लगता है कि मैं विदाउट एड्स के आप वीडियो देख पाते हो यूट्यूब पर, तो ये आपको पसंद है तो मेरा वीडियो भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना। और मेरा चैनल अगर अभी अब तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो आप अभी तक एक बार देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किसी भी वीडियो के ऊपर एड नहीं लगाया है, ना ही किसी स्पॉन्सरशिप के तहत आपको कोई गलत चीज़ दिखाई है। दो तीन स्पॉन्सरशिप मेरे को मिली है, वो मैंने वीडियो भी बताया है, पर आपको उसी से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, वो आपके लिए गलत तो नहीं है, आपके लिए अच्छी है। मैंने कोई चीज़ आपको बताने की कोशिश की नहीं, तो उससे आपको ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी। और वैसे भी मैं ज़्यादा स्पॉन्सरशिप नहीं ले रहा हूँ, और इतनी छोटी छोटी स्पॉन्सरशिप लेने का कोई दिल भी नहीं है, क्योंकि अभी मेरा चैनल पे इतने व्यू नहीं आए या इतना अभी सब्सक्राइबर नहीं है कि मेरे को बड़ी स्पॉन्सरशिप मिले। इसीलिए अभी मैं छोटी स्पॉन्सरशिप भी नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जो चैनल की स्टैंडिंग होती है वो ख़राब होती है अच्छी छोटे से स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। तो छोटी स्पॉन्सरशिप अगर मैं उसको होस्ट करूँगा मेरे चैनल के ऊपर, तो मेरे व्यूवर्स मुझसे खफा हो जाएंगे। अभी से मैंने स्पॉन्सरशिप लेना शुरू कर दिया है इतने से व्यू के अंदर, तो मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए मेरा फर्स्ट पेमेंट का तो मैंने अभी तक दो तो सोचा भी नहीं है, बट हाँ हर एक नए यूट्यूबर्स का एक सोच होता है, एक सपना होता है कि उनकी यूट्यूब से फर्स्ट अर्निंग आए तो उनको बहुत खुशी होती है। तो मैं भी जल्दी करने वाला हूँ, बट अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, और मैं चाहता हूँ कि अभी बहुत बहुत ही वीडियो बनाऊँ अच्छे 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 अच्छे, उस पर व्यू आ जाए, फिर बाद में देखूँगा कि मुझे मोनेटाइजेशन अनेबल करना है या नहीं करना है, एड्स लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। अगर आप लोग अगर मेरे वीडियो कंटिन्यू देखोगे तो मैं एड्स नहीं लगाऊंगा, अगर मेरे अगर व्यू अच्छे नहीं आएंगे और कोई एक आधा वीडियो चलेगा तो मैं उस पर एड लगा दूंगा, वरना रेगुलरली मैं वीडियो पर एड नहीं लगाऊंगा। वरना आपको मेरा वीडियो सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं, फिर एड के लिए देखना पड़ेगा। अगर आपको जैसे आप मेरे वीडियो पर क्लिक करोगे नए वीडियो पर देखने के लिए, अगर आपके सामने एड आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप मेरा वीडियो पूरा नहीं देखोगे। इसीलिए मैं उस पर एड नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा वीडियो आप पूरा वॉच कर लें, यही बहुत है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और मेरे चैनल टेक एम एस को सब्सक्राइब जरूर करना भाई दोस्तों।